दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना श्रवण सीएलसी सीकर से मेरे उन 6 बच्चों के साथ बैठा हूं जो विट 12th नीट में ऑल इंडिया में 2000 की रैंक में आए हैं, जिनका एक अच्छा 12th का स्कोर आया है। तो सबसे पहले मैं मेरे इन डायमंड से, मैं कहूँ मेरे जिगर के टुकड़ों से आपका परिचय कराता हूँ। मेरा नाम संगम है और मेरी नीट 2019 में ऑल इंडिया रैंक 767 है और मेरा 12वीं में परसेंटेज 94% है। माइसेल्फ विजेता बेनीवाल और मेरा नीट की रैंक 428 और मेरा 12th का स्कोर 95.4%। मैं अरविंद कड़वासरा हनुमानगढ़ से, 12th के साथ सिलेक्शन है 91% 12th में और रैंक 759 ऑल इंडिया रैंक। मेरा नाम अनुराग कुशवाहा है और मेरा नीट का रैंक 1775 है और मेरा 12th में 96% 96%, वेरी गुड। माइसेल्फ सोनम शर्मा, मेरा नीट का स्कोर 773 है एंड मेरा 12th में 91.20% है। मेरा नाम प्रहलाद चौधरी है और मेरा AIR है 1664 है और मेरी 12th की रैंक 12th की परसेंटेज है 85% है। ये वो स्टूडेंट है जो मेरे पास 10th पास करके आए। अप्रैल मई में जब एडमिशन स्टार्ट होते हैं तो अप्रैल या मई 2017 में इनका एडमिशन हुआ। एक सपना लेके लोग सेल्स के साथ जुड़े। 25-26 मई को एम्स का एग्जाम था, ये 25-26 मई एम्स के एग्जाम थे, सेल्स में रहे। इनमें से बहुत से बच्चे हॉस्टल में थे। कौन बच्चा कहाँ रहता था इसकी बात बताऊँ, संगम अपने पापा के साथ रहता था, विजेता नाजी हॉस्टल में थी। अरविंद के बारे में बताना चाहूँगा, अरविंद की छोटी बहन, आपकी मौसी की लड़की, आप दोनों बहन भाई साथ रहे, आपकी मौसी आपके साथ रही, आप SMS में हैं विट 12th, आपकी बहन भी गरिमा भी विट 12th कोटा मेडिकल कॉलेज पहुंच गई। अनुराग बाहर PG में रहा, सोनम हॉस्टल में रही जिनवाता फर्स्ट में और प्रहलाद बी बिल्डिंग हॉस्टल में रहा। आप तो 10th यहीं से किए हुए हो, 9th से। प्रहलाद तो 9th अपना स्कूल में आ गया था, ये तो 9th 10th प्री फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है सीएलसी के साथ। दोस्तों ये लड़के 2 साल संस्था में साथ रहे, प्रहलाद 4 साल रहा। मैं इन बच्चों के साथ बैठ के उन गार्जियन से, उन स्टूडेंट से बात करने जा रहा हूँ जो अभी 10th का एग्जाम दे रहे हैं, जो मेडिकल का सपना पाल रहे हैं, जो सिलेक्शन का सपना पाल रहे हैं, लेकिन कन्फ्यूजन है। केवल स्कूल करवाएं 12वीं के बाद बच्चे कोचिंग भेजें, और कोचिंग में भेजें तो कहाँ भेजें और सीएलसी क्यों भेजें? तो सबसे पहले तो आपको मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि केवल स्कूलिंग वाला जमाना जा चुका है। तो आपके सामने प्रश्न खड़ा होता है कि साहब बोर्ड का परसेंटेज डिस्टर्ब हो जाता है फाउंडेशन के साथ, बच्चा प्रेशर में आ जाता है। भाई मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है बच्चे प्रेशर में है, 94, 96, 92, 96, 94, 88% और सारा बच्चा SMS में है। सबकी जनरल कैटेगरी की ओवरऑल रैंक 2000 सेंटर में है। मैं किसी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, होने को तो बेनीवाल विजेता की रैंक OBC में 86 है, बट हम बात कर रहे हैं ओवरऑल 428 रैंक आपकी है। और ये सब वो परिवार हैं जो पूर्ण जुड़े हुए हैं। विजेता बेनीवाल के मामा जी मेरे बड़े भाई, मेरे अच्छे मित्र राम सिंह मून साहब जो भी डिप्टी लगे हुए हैं, CO सिटी लगे हुए हैं, नौलगढ़ लगे हुए हैं, जिनके दोनों बच्चे मेडिकल में हैं। तो ऐसे बहुत से परिवार हैं, ये परिवार वो हमसे जुड़े हुए शुरू से। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जो भी वीडियो इस वीडियो देख रहे हैं उनको अश्योर करना चाहता हूं कि सीएलसी किस तरह काम करती है, सीएलसी का वर्किंग ऑपरेशन क्या है। इन बच्चों को इसके साथ बैठाया है कि इनके साथ हमने 2 साल शेड्यूल से जिए हैं, 2 साल हमने शेड्यूल को फॉलो किया है और ये कमिटमेंट इस वीडियो के माध्यम से कर रहे हैं कि आने वाले एडमिशन के साथ तो हम इससे बेटर काम करेंगे। हर साल संस्था बड़ी होती है, हर साल संस्था समृद्ध होती है, अच्छे लोग और जुड़ते हैं, अच्छी टीम जुड़ती है, टीम और अच्छी होती है, स्टेनोमीटर और इम्प्रूव होता है, टेस्ट और इम्प्रूव होते हैं, रिजल्ट और इम्प्रूव होते हैं, जिससे मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो मैं 24 महीने में जो इनके साथ शेड्यूल चला वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और ये मेरे बच्चे जो बैठे हैं जो इस बात को एग्री करते हैं कि इस शेड्यूल को फॉलो किया उसकी देन है कि 12वीं के साथ बोर्ड को अच्छा ठोकते हुए हम लोग SMS पहुंचे हैं। क्या चलता है, किस तरह होता है? दोस्तों जैसा कि सेशन 2020-21 के एडमिशन अभी 31 जनवरी को शुरू हो जाएंगे, 2 अप्रैल 2020 से सेशन 2020 और 2021 का बैच स्टार्ट हो जाएगा। जब बच्चे शुरू में आए सबसे पहले 15 से 20 दिन इनको बेसिक पढ़ाते हैं हम लोग, उसके बाद बाकायदा इनको एक प्रिंटेड प्रोग्राम दिया जाता है जिसमें हर 2 वीक के बाद आपका टेस्ट होता है। उस टेस्ट के बाद संडे को टेस्ट का डिस्कस होता है, बुधवार तक उसकी रैंक डिस्प्ले हो जाती है। आपके पास सीएलसी का जो ऐप है वो आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेंगे तो अपने आप आपके पास एक टेस्ट रिपोर्ट पहुंच जाती है। इस तरह चलते चलते मार्च तक हम इनका 11th पूरा कराते हैं, लेकिन केवल माइनर नहीं होते हैं, 3 माइनर के बाद एक मेजर हो जाता है, कभी सेम मेजर हो जाते हैं, कभी रैंडम टेस्ट हो जाते हैं। इस तरह अप्रैल 17 से लेकर मार्च 18 तक इनका 11th कंप्लीट हुआ। फिर मार्च के लास्ट में इनका मेजर टेस्ट के नाम पे, मिडास टेस्ट के नाम पे 11th का रिवीजन करा के हमने इन लोगों का 12th स्टार्ट किया अप्रैल 2018 में। अप्रैल 2018 से आपका 12th स्टार्ट हुआ जो अक्टूबर 2018 तक चला,
तब तक आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। उसके बाद बीच में दीपावली का सीजन आया, आपने फॉर्म भरा केवीपीआई का, ये सब एग्जाम देखे हैं केवीपीआई का, आप जानते हो नवंबर के फर्स्ट संडे एग्जाम होता है केवीपीआई का, उसके पहले ऑलमोस्ट 90% सिलेबस हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद नवंबर दिसंबर में मिड सेशन डिटेल्स चला आपका, जिसके माध्यम से फिर 11th और 12th का आपका रिवीजन हुआ। फिर दोस्तों उसी दौरान आपकी एग्जाम्स आप ईयरली है, आपके हिंदी इंग्लिश हैं, आपके प्रैक्टिकल्स हैं। अच्छा, इनके जो परसेंटेज बताएं बोर्ड के हमने फ्रेंड, ये ओवरऑल है, उसमें हिंदी इंग्लिश अनुराग कुशवाहा के 96% ओवरऑल है, बेनेवाल विजेता के 95.4% ओवरऑल है। मैं यहाँ पीसीबी की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश हो चाहे प्रैक्टिकल हो सारा काम संस्था करती है। कहने का मतलब अप्रैल 17 से लेके मार्च 18 तक 11 पूरा हुआ, अप्रैल 18 से लेके नवंबर 18 तक 12th का सिलेबस कंप्लीट हुआ, फिर नवंबर 18, दिसंबर 18 और जनवरी 19 में इनके रिवीजन चले, फिर बोर्ड के एग्जाम्स दी, प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए, वो सारा प्रोसेस चलता रहा। बीच में सीएलसी का ब्रह्मास्त्र आता है, बायोकेम डीटीएस, बायोकेम डीटीएस ने बच्चों ने दिया। ऐसे चलते चलते दोस्तों आपका नीट का एग्जाम हुआ, ऐसे चलते चलते 5 मई 2019 को नीट का एग्जाम दिया, फिर दो दिन घर मस्ती करके आए, फिर वापस आ गए 6-7 मई को 8 मई को, और दोस्तों किसी का 25 मई को एम्स था, किसी का 26 मई को एम्स था, अपना एम्स का एग्जाम दिया। ये इनके साथ 2 साल बीते हैं, हाँ या ना? ये जिंदगी ये 2 साल जी है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। इस वीडियो के माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि अब जो नए स्टूडेंट सीएलसी इनरोल होने जा रहे हैं, मैं एज ए डायरेक्टर, एज हेड ऑफ फैमिली आपको एश्योर कर सकता हूँ, ये मेरे बच्चे एश्योर कर सकते हैं कि हमारी सीएलसी आपके लिए और बेटर काम करेगी। और दोस्तों पहले 2000 में 6 बच्चा देने वाली सीकर की एकमात्र संस्था सीएलसी है, ये 6 बच्चा एसएमएस में। हमारे बेनीवाल विजेता को तो लेडी हार्डिंग मिल गया था, पर आपके मामा जी का घर जयपुर होने के कारण आपने एसएसएम अडॉप्ट कर लिया, तो ये बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छा रिजल्ट। तो मैं गार्जियन अपील करना चाहता हूँ कि आप कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार आप सीकर सीएलसी विजिट जरूर करें, 2 अप्रैल से पहले बैच में आप अपना एडमिशन लें, ताकि आपका बच्चा लोगों से अवे ज़्यादा 2 कदम आगे हो जाए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्रहलाद जी बताएं, सीएलसी की एक वो क्वालिटी जो आपको यूनिक लगती है, अब तो आपको पता लग गया कि आपने हमेशा हलवा खाया तो आपके हलवे का टेस्ट पता नहीं है, बट आप एसएमएस में गए हैं तो वहाँ हर कोचिंग का बच्चा आया है, तो आपको पता लगा कि हमारी सीएलसी क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बच्चों, अपने दोस्तों के साथ क्लास की बेंच पर बैठते हैं, जो किसी एक्स कोचिंग का होगा, कोई वाई कोचिंग से होगा, तो वहाँ आपको क्या फील आता है कि मेरे सीएलसी में ये एक्स्ट्रा चीज़ थी? कोई एक चीज़ मेरे से कैंप और हॉस्टल का माहौल दोनों बहुत ही बढ़िया था, और वहाँ मुझे नहीं लगता और विषय कहीं पर मिलेगा। ये है कैंप का मतलब, रात को 8 से 12 बजे तक यहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते हैं भाई, और ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे रात को 11:30-10 बजे तक मैं खुद यहाँ बैठता हूँ। उसके बाद हॉस्टल, सीएलसी के अपने खुद के जो मैनेजमेंट के हॉस्टल्स हैं, जिनमें हमारी खुद सीधा जहाँ हमारा कंट्रोल रहता है। ये आप कौन से हॉस्टल में थे? मैं बी बिल्डिंग में। आपके बी बिल्डिंग में कितने बच्चे सेलेक्ट ऑलमोस्ट इस बार? लगभग 76 जने थे, लगभग 65 या 60। 74 में से 65-50 सेलेक्ट है, टॉपर भी वहीं से, आर्यन और जगदीश वहीं से, आर्यन यादव और जगदीश जो दोनों मोहन आजाद में, जिसका रैंक 130 और 141 है, जिनका स्कोर नीट 2019 का 676 नंबर है, वो दोनों बच्चे उस हॉस्टल से हैं। तो कैंप और हॉस्टल का एटमोसफियर इनका कहना है कि सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों सीएलसी 31 जनवरी 2020 को अपने 24 साल कंप्लीट करने जा रही है। सीएलसी बाई चांस नहीं है, सीएलसी का सपना हर गाँव से डॉक्टर बने इंजीनियर बने अपना इस थीम पर शुरू किया, फिर आगे बढ़ते बढ़ते इस थीम को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, रेक्टिफाई किया, आज 4 शब्दों पर सीएलसी काम करती है, शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार और सफलता। आप देखें ये बच्चे शिक्षित भी हैं, ये संस्कारी भी हैं, और सेफ भी रहे, हॉस्टल में रहकर रहे और सफल भी हैं, वो चारों शब्द इन पे लागू होते हैं। बेटी सोनम आप बताएं, सीएलसी में सबसे अच्छी असेंबली और बॉस का मोटिवेशन है, ये असेंबली क्या है? मैं बताना चाहूंगा, हमारा एक विजय ग्राउंड है, अब जब सीएलसी आएंगे देखेंगे, शाम को डेली साफ डेली बड़ी चीज होती है, करीब 7 बजे या 6:30 बजे अकॉर्डिंग विंटर सीजन या समर सीजन के अकॉर्डिंग शाम को असेंबली होती है। असेंबली का मतलब महीने में 30 दिन में करीब 20 दिन में खुद बैठता हूँ, हजारों बच्चा बाकी बैठता है, वहाँ असेंबल होते हैं और प्रेयर करते हैं, और डेली कोई ना कोई अच्छी बात होती है जिससे बच्चा सेल्फ मोटिवेट भी होता है, और बाई चांस थोड़ा बहुत बच्चा आगे पीछे हो जाता है तो उसको अगले दिन फिर बेटर करने के लिए रोज मिला जाता है, रोज बात की जाती है, इसको हम असेंबली कहते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है और जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, सबसे ज़्यादा जो हमें बताते हैं कि कैसे नीट का पेपर कैसा है, नीट में हमें कैसे स्कोर करना है, उस यहाँ जो एग्ज़ाम पैटर्न है और यहाँ का जो मैटर है, जो भी पढ़ने के लिए मैटर दिया जाता है, वो नीट के लिए बहुत अच्छा प्रिपेयर करता है। अनुराग का कहने का भाव ये है कि यहाँ का जो टीचिंग लेवल है
टीचिंग स्टैंडर्ड है, सीधा नीट, ना नीट से बहुत ऊपर हम लोग कराते हैं ना नीट के नीचे करवाते हैं। कई बार अनावश्यक कुछ टीचर्स अनवांटेड क्वेश्चंस बच्चों को कॉपियाँ भराते रहते हैं, कोई मतलब नहीं भाई। किसी को एक बाल्टी छाछ नहीं पिलाते हम लोग, इसका भाव ये एक बाल्टी छाछ की बजाय हम 10 ग्राम मक्खन खाना पसंद करते हैं। हाँ, एक बात बताना अनुराग, वापस आप धौलपुर से सीकर तक कैसे पहुँचे? मेरे मामा जी का लड़का यहाँ पढ़ता था, तो मैं छुट्टियाँ बिता रहा था जयपुर में, तो अचानक ही मामा जी का फ़ोन आया कि आप अपने बच्चे को भेजो CLC और वहाँ देखो। वैसे मेरे पापा जी का प्लान था कि 12th के बाद जाए, पर उन्होंने फिर 11th में ही आया, तो 11th में बॉस से मिला, फिर बॉस ने हमें बताया कि कैसे क्या करना है और नीट वगैरह के बारे में समझाया, और इस हिसाब से मेरा यहाँ एडमिशन हुआ। लोग कहते हैं ना गाइडेंस क्या होती है, गाइडेंस ही होती है। अभी अनुराग ने क्या कहा कि मेरे पेरेंट्स तो मुझे 12th के बाद भेजना चाह रहे थे, बट मामा जी ने कहा कि 11th से डालो। इसको बोलते हैं प्रॉपर गाइडेंस, इसको बोलते हैं मोटिवेशन। यदि वो मामा जी ना मिलते मतलब इस पे चर्चा ना होती तो आप स्कूल से पढ़ के आते तो उसके बाद आपको एक साल वेट करना होता, इसलिए कहते हैं प्रॉपर गाइडेंस। और ये वीडियो गाइडेंस के लिए ही है। गाइडेंस जब तक नहीं मिलेगी, ऐसे बहुत से अनुराग कुशवाहा होंगे, ऐसे बहुत झोंपड़ी में बैठी खोपड़ियाँ होंगी, ऐसे दूर दराज के गाँव में बहुत प्रतिभाएँ होंगी। उनको दोस्तों सेल से डायलॉग है, CLC प्रतिभाओं को तलाशती भी है और तलाशती भी है। अभी जो बॉस ने संस्कार की बात बताई कि CLC में पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी, ये कोचिंग में बहुत रेयर होता है, लेकिन हमने SMS में जाके देखा कि हमारे संस्कार मतलब औरों और जो बच्चे हैं SMS में उनसे कितने ऊपर है, वो किस फॉर्म में, टीचर्स की रिस्पेक्ट में, पियोन्स की रिस्पेक्ट में, वो पूरा सबसे ऊपर आया हमारा। CLC बेस्ट। अरविंद के परिवार का विश्वास था, आप एक आपकी मौसी की बहन बेटी मतलब बहन, आप दोनों आए रहे और दोनों भी 12th, जो मेडिकल को जानते हैं भाई, देखो जो मेडिकल को जानते ही नहीं उसको तो क्या बताएं कि मेडिकल क्या होती है, सिलेक्शन क्या होता है मेडिकल में। 12वीं के साथ दोनों बहन भाई सेट हैं, आप SMS में हैं और बहन कोटा, उसका भी 12th का स्कोर है, क्या स्कोर है उसका, 93. उसका 12th का स्कोर 93% है। 12th का स्कोर यहाँ हमारे लिए फाउंडेशन में कहीं कोई मैटर रखता नहीं है। CLC की बात जो मुझे अच्छी लगी, एक तो डिसिप्लिन और एक टाइट शेड्यूल। डिसिप्लिन तो यहाँ हॉस्टल में क्लास में हर जगह दिख जाएगा, और शेड्यूल भी यहाँ का बहुत टाइट है, क्लासेस का हो चाहे टेस्ट का हो। हॉस्टल का जो शेड्यूल है, हॉस्टल का जो अपना डिसिप्लिन है वो भी बहुत अच्छा है, जिससे मतलब अच्छे से रह के पढ़ाई हो सकती है, और क्लास का शेड्यूल भी अच्छा है। थैंक यू। मैं कहना चाहूँगा बेनीवाल विजेता हमारे नाची हॉस्टल में थी, ये नो डाउट एक बहुत अच्छा बच्चा रहा हमारा, इसको एक सिंगल रूम हमने दे रखा था, ये पूरा अपना परफेक्शन अपने रूम के बाहर, ये केवल मैथ्स के टाइम या क्लास के टाइम बाहर निकलती थी, बहुत अच्छा बच्चा था, इसलिए 12th का स्कोर आपका 95.4 कुछ है, आपकी 428 रैंक है। आपका एम्स का रैंक कौन सा है? 1686। आप 1600 आपका एम्स भी रैंक है, मतलब बहुत अच्छी बात है, एक बहुत अच्छे बच्चे, मतलब मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, बहुत खुश हूँ आज मैं, आज मुझे लगता है कि कुछ पाया है मैंने 24 साल में, आज वास्तव में बच्चों के साथ बैठकर बहुत खुशी हो रही है कि पहले 2000 में मेरा 6 बच्चा 12वीं के साथ और ऑलमोस्ट सबके 90% मार्क्स के साथ के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं ये वीडियो देखने वाले पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को एक दो ही बातें बोलना चाहता हूँ। पहला तो ये कि CLC एक ऐसी जगह है जहाँ सफलता के सपने संस्कारों के साथ सच होते हैं, और दूसरा ये कि CLC है तो संभव है, और यहाँ का जो पेरेंटल केयर है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो आपको कहीं नहीं मिल सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि मैं CLC में था इसीलिए मैं सिलेक्ट हो पाया, शायद मैं और कहीं होता, अगर मैं शायद कोई और संस्था में होता तो शायद मैं सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि CLC में वो बात है, CLC में वो नई चीज़ है जिसकी मदद से बच्चे अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एज ए डायरेक्टर, एज ए मेंटर, एज ए हेड ऑफ फैमिली, मुझे सुन के बहुत खुशी होती है, बच्चा कहता है कि मैं CLC में ना होता तो शायद विद 12th में मेडिकल में नहीं होता, SMS में नहीं होता। मैं इस वीडियो को समराइज करते हुए सबको अश्योर कर सकता हूँ कि दोस्तों आप अच्छे सपने पालते हैं तो आप CLC ज्वाइन करें। ये एक व्यवसायिक कॉमर्शियल मॉल नहीं है, ये कॉमर्शियल मॉल नहीं है, ये पारिवारिक एटमोसफियर है, तो यहाँ कई बार आपकी गलती पे आपको कोई टोकने वाला मिल जाएगा, गेट पे खड़ा गार्ड भी आपकी गलती पे टोक सकता है, पढ़ाने वाला टीचर भी आपकी गलती पे टोक सकता है, आपका संस्था का डायरेक्टर नहीं है वो एज ए गार्जियन आपको टोक सकता है, इसको कहते हैं पारिवारिक माहौल। क्यों मैं जानता हूं कि टोक तो अपना है, या आपको टोक रहा है, आपको कोई किसी गलत काम करने से रोक रहा है। जो बच्चे संस्कारों से हैं, अच्छे घरों से बंधे हुए हैं, जो गलती पे सुनने को भी उन लगता है कि मुझे अपना सुधार रहा है, मेरा अपना कुछ कह रहा है, मेरे भले के लिए कह रहा है, यही बात सब बच्चों ने कही, चार ही बात निकल गई, शिक्षा है क्यों बंदे SMS में है, संस्कार है एक फोन पे आज ये ठंड में चला के सीख रहे हैं, सुरक्षा है ये बेटे हॉस्टल में रही है, सफलता है आपके सामने है। तो गार्जियंस, इस वीडियो के माध्यम से एक बार फिर से अपील
कि आपके अपने CLC नाइन्थ क्लास से IIT मेडिकल दोनों का प्रिपरेशन करवाता है, नाइन्थ टेंथ प्री फाउंडेशन जैसा पढ़ा, नाइन्थ टेंथ हमारे साथ रहा हुआ है, 11-12 फाउंडेशन, ये बच्चे फाउंडेशन से हैं विथ फाउंड सेट है, और 12 के बाद टारगेट कोर्स है। जैसा काम CLC मेडिकल में कर रहा है उतना अच्छा काम CLC IIT में कर रहा है। IIT के बच्चे भी छुट्टी में घर आए थे और वापस कॉलेज निकल गए। नमन जैन जिसकी 351 रैंक आई थी 12वीं के साथ, IIT का रिजल्ट पैरेलल है, आपको ये बताते मुझे बहुत खुशी हो रही है। 96 से लेके 2015-16 तक हमारा मूल फोकस मेडिकल था, मुझे स्वीकारने में कहीं इसमें कोई वो बुराई नहीं है। 2016 में मेरा बेटा साहिल जो खुद NIT पास आउट है वो मेरे साथ खड़ा हुआ, वो पूरा IT विंग देखता है। आज शेड्यूल की जो बात की विजेता बेनीवाल ने कि शेड्यूल बहुत टाइट है, वो सारा साहिल की देन है। साहिल ने पिछले 3 साल में सिस्टम को इतना अच्छा शेड्यूल दिया कि यहाँ फिक्स पता है, एडमिशन टाइम आपको पता लग जाएगा कि किस दिन कौन सी क्लास में कौन सा टॉपिक आपका होना है, कब आपका टेस्ट होना है। 150 टेस्ट 2 साल में लोगों ने दिए, पूरा स्टडी मटेरियल आपको संस्था द्वारा दिया गया और ये बच्चे जुड़े हुए आज भी। तो गार्जियंस आप CLC पे ट्रस्ट कर सकते हैं, CLC भरोसा कर सकते हैं, तो आप भी इनकी तरह सफल हो सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वीडियो आज 2 जनवरी 2020 को शूट हो रहा है, 2 अप्रैल 2020 को 2020-21 के सेशन के एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ, इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा, यदि 31 जनवरी से पहले आप एडमिशन लेते हैं सेशन में तो कुछ हमारा एक एक्स्ट्रा बच्चे को स्कॉलरशिप है 5,000 रुपये की। कारण 31 जनवरी 2020 को आपके अपने CLC अपने 24 साल पूरे करने जा रही है, तो मैनेजमेंट चाहता है कि 24 साल पूरा करके 25 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारे उन बच्चों को, उन गार्जियंस को एक गिफ्ट दें जो हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, पहले जुड़ते हैं हमारे साथ। तो 31 जनवरी 2020 के पहले आप अपना इनरोलमेंट कर लें, आप अर्ली एडमिशन में आ जाएं, खुद की स्कूल, खुद के हॉस्टल, सारी व्यवस्थाएं संस्था अपने प्रोवाइड करती है। दोस्तों, इसके बाद भी कभी कोई कमी रहती है तो ये बंदा, ये आपका भाई, ये बच्चों का गार्जियन सुबह से लेकर शाम तक इस संस्था को जीता है। थैंक यू। जय CLC।